तेरा तो आइडिया हिट हो गया। हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जी ने ना मुझे दुनिया में बदमाशी बनाने का वरदान देके भेजा है। देखना, इसका कोई प्लान फ्लॉप नहीं हुआ आज तक। और इस बार के प्लान में ना क्रेडिट तो तुझे भी जाता है। इलो, आज फिर हमारी ड्यूएट बदमाशी का सुर सही लगा है, हमारी मिलीजुली बदमाशी वाली सेल्फी। सुनो यार, चीजें क्यूट तो थे लेकिन इतने इनोसेंट निकलेंगे मुझे पता ही नहीं था। सब लाजवंती के वास के पीछे एकदम लट्टे बने घूम रहे हैं। लेकिन इलू, जीजा जी तो अपने साथ दुबई लाजवंती को लेके जा रहे हैं, मतलब तू तो फिर से हवा में लटक गई। बेवकूफ, लाजवंती और इलायची अलग अलग थोड़ी हैं, एक ही तो है। लाजवंती जाएगी तो इलायची तो पक्का जाएगी। मतलब तेरे और जीजा जी की ऊंट की सवारी तो पक्की। हाँ, तू भी अपना सामान पैक कर ले भाई, तुझे भी तो चलना मेरे साथ। हाँ हाँ मैडम, पता है तुम्हारी मोहब्बत की सेल्फियां खींचने के लिए ना। सुन यार, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार हम वहां पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद किसी ना किसी बहाने से ना जीजा जी के सामने आ जाऊंगी, और इतने रोमांटिक माहौल में जीजा जी का दिल फिसलेगा ही फिसलेगा। इलू, जीजा जी का दिल फिसलने वाली सेल्फी। हाय, लाइफ में टंटे हो रखे मेरी। वैसे विनोद जी, आपने ये तो बता दिया कि आपका व्यवसाय क्या है, लेकिन ये ना बताया कि परिवार में कौन कौन है। बस मैं और मेरी तन्हाई। अरे, भाभी जी का नाम तन्हाई है? वाह, बहुत अच्छा नाम है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैंने शादी नहीं की। शादी ना की? क्यों? थी कोई मजबूरी। हाँ, समझ गया मैं। इतना बड़ा व्यवसाय ऐसे थोड़ा ही है भाई, अब इसमें कोई रोक टोक करने वाला होता तो इतना बड़ा व्यवसाय थोड़ा ही कर पाते आप। नहीं नहीं, काम काज का कोई मसला नहीं था। हाँ, वो बात यूं थी कि क्या हो गया तुझे? छटंकी भैया, जरा चावल लेके जाओ। हाँ हाँ, नहीं कह रहा था। जो भी मजबूरी रही आपकी वो आपने बताई ना अब तक। अब क्या बताऊं उसके बारे में। ये पनीर का डब्बा यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ ना पता चटंकी भैया, फिलहाल तो मेरी जान अटकी हुई है। कुछ बोला तो ना, वरना मैं मुंह तोड़ दूंगा, मैं इसका बता रहा हूँ। ना ना चटंकी भैया, अभी तक तो कुछ ना बोला, पर पता ना कब तक मुंह बंद रखेगा। अरे जी जी, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अरे मैं भी आता हूँ, समझ क्या रहे। कावे बिना भैया, कैसे हो? कब जा रहे हो भैया? अबे क्या बकवास सवाल कर रहा है तुझे? छटंकी बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी वही तेवर है। अरे भैया, इतनी जल्दी ना जाता मैं, अभी अभी तो आया हूँ। और आप तो जानते ही हैं, ये पैदाइशी बदतमीज है। जीजा, बाहर वालों के सामने तो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बता रहे हूँ, ढंग से रहना, बता रहे हो। अरे भाई, मैं कौन सा बाहर वाला हूँ? अरे अरे वो सब छोड़िए, देखिए आप बात टाल गए, आप ये बताइए क्या मजबूरी थी आपकी? बस यूं समझ लीजिए कि मैं प्यार का वजन उठा नहीं पाया। ओ, वैसे हमारे अलीगढ़ में एक लड़की थी, बहुत पास में रहती थी। अच्छा, गोल मटोल सी। प्यारी सी। हाँ, लड़की नहीं, चट्टान थी। इतनी वजनदार थी कि मैं क्या बताऊं, जब वो रस्सी टापती थी तो पूरे मोहल्ले में भूचाल आ जाता था। क्या कर रही है तुझे? देखिए ऐसा है, आपने तारीफ तो बहुत कर दी उसकी, लेकिन अभी तक नाम ना बताया आपने उसका। उसका नाम था इलायची के पापा। मुझे चक्कर आ रहे, मेरी तबीयत ठीक ना लग रही इलायची के पापा।
कैसी बातें कर रही है तू? सुबह तो मैंने तुझे 3 गिलास जो है अनार का जूस पिलाया, तो चक्कर कैसे आ गए? ओहो इलायची के पापा, मुझे अंदर ले चलो। अरे ठीक है चल। अरे जाओ यार, लेके जा। हाँ रुक जा, अभी खराब हो गया। मैं जा रहा हूँ उसे, फिर आता हूँ। लौंड को बताइयो नाम क्या था। जी जी बिल्कुल, ख्याल रखना जी जी का, समझ गए? कब ये कब पलटी खा रहे हैं यहाँ से? नहीं मेरा कहने का मतलब है कब का प्रोग्राम है जाने का? ये बस सीधा तुझे ऊपर पहुंचाऊ। बोल भाई, तूने बताया नहीं कि तूने चांदनी चौक में चौकीदारी की नौकरी पकड़ ली है? क्या बोल रहा है, कौन सी चौकीदारी पे? मैं क्यों चौकीदारी करूंगा? तो फिर क्या तू ये देखने जा रहा है कि चांदनी चौक में कितने लोग लाइट जला के सोते? अबे क्या बोल रहा है, नहाने जा रहा हूँ, बनियान कहाँ है मेरी? हाँ तो भाई रात के 3:30 बजे नहाने जा रहा है? हाँ। वो भी ये महापूस के महीने में इतनी ठंड में, कौन सी मन्नत मांगी है? तू नहीं समझेगा तो समझा दे। तो पूछ रहा है तो बता रहा हूँ। बता दे। अगर संगीत में महारत हासिल करनी है तो सुबह 3:30 बजे उठ के गाने से पहले नहाना होगा। अरे गाने का और नहाने का क्या संबंध? देख इंसान को गाने से पहले भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान से पहले नहाना चाहिए। वाह वाह क्या बात है मेरे गुरु घंटाल, कहाँ थे अभी तक बताओ, इतनी बड़ी जानकारी दे दी आपने, चवल कहाँ आपके? वैसे एक बात बताएंगे आप, ये दिव्य ज्ञान आपको दिया किसने? होगी तेरी ओवर एक्टिंग। हाँ मेरी होगी, अब खत्म कर लिया ये मजाक। लाजवंती जी ने, उन्होंने हमें बताया पहले नहाइए फिर गाइए। ओ लाजवंती जी ने, क्या बात है भाई। एक बात बता, अगर लाजवंती प्रेग्नेंट हो गई तो तू भी प्रेग्नेंट हो जाएगा? नहीं मतलब जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे अबे, ये संगीत के प्रति उनकी निष्ठा और प्रेम है, समझा? अच्छा, और उनके इन्हीं भावों ने तो हमारे अंदर पता नहीं कौन कौन से भाव जगा दिए। भाई क्या आवाज है यार, कमाल, कतल भाई कतल। उनकी आवाज सुनकर, उनका घूंघट से ढका हुआ चेहरा देखकर, पता नहीं यार मन में कौन कौन से तार छिड़ने लगते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि मैं ना उनकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ, और जैसे कि हमारा कोई रिश्ता है, कुछ तो है यार। ओ भाई रिश्ता तो मुझसे भी है तेरा, दोस्ती का। हाँ लेकिन पता ना जी लाजवंती ने कौन सी घुट्टी पिलाई तुझे, तू लट्टू बन गया उनके पीछे, हर बात माने जा रहा है। तो सही तो कह रही है लाजवंती जी, अगर संगीत में महारत हासिल करनी है तो सुबह उठ के 3:30 बजे नहाना ही पड़ेगा, तभी आत्मा की शुद्धि होगी। ओ भाई तेरी बातें सुन के मुझे ना डर सा लग रहा है, अबे कहीं ऐसा ना हो कि लाजवंती की बातों में आके तू हिमालय निकल ले। क्यों नहीं भाई, अगर वो हिमालय जाएंगे तो हम भी उनके पीछे पीछे हिमालय चले जाएंगे। ओफो लज्जो जी, देखना भाई सुबह 3:30 बजे उठ के नहाने जा रहे हैं, वरना सर्दी में तो हम 3 हफ्ते ना नहाए। श्रद्धा है, श्रद्धा है भाई, लज्जो जी के लिए श्रद्धा है भाई। हाँ संगीत के बाद श्रद्धा। वाह वाह इलायची जी, क्या तरकीब निकाली है, लाजवती बन के मतलब लोन टोक लगा दिया काम पे। हे भगवान। हाय जीजाजी। यार फिर से आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं, हम क्या कहेंगे, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? लगता है आपने वो कहावत नहीं सुनी है कि रात में चुड़ैले घुमा करती हैं। ओह रियली? जीजाजी चुड़ैले और भूत, आप भी तो बाहर टहल रहे हैं। वैसे मैंने तो ये भी सुना है कि चुड़ैल और भूत दोनों की जोड़ी काफी जमती है। अच्छी बात है, वैसे आप ऐसी बात बोल के डरा क्यों रही हैं इलायची जी? खैर आप सोई नहीं अभी तक? उफ जीजा जी सोई कहाँ पा रही हूँ, किसी ने मेरी नींदें उड़ा रखी हैं।
मच्छर अच्छा मच्छर नहीं सोने दे रहे हैं यार, बहुत सारे हो गए हैं ना। खैर आप बताइए, आप इतनी रात का यहाँ क्या कर रहे हैं? हम नहाने जा रहे थे। नहाने? इतनी रात को, इतनी ठंड में? जी। ओह गॉड, कहीं पिंटू भाभी ने बिना नहाए एंट्री करने से मना तो नहीं कर दिया आपको? नहीं नहीं इलायची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो 10 दिन में एक बार नहाता है। मतलब नहाती हैं। तो फिर आप क्यों नहा रहे हैं इतनी ठंड में? हम आप समझेंगे नहीं इलायची जी, हम किसी के जीवन का फलसफा अपने जीवन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोई है इलायची जी जिसकी पवित्रता ने हमें अंदर से पवित्र कर दिया है, बल्कि हम इतना पवित्र महसूस कर रहे हैं इलायची जी, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे अंदर से एक पवित्र नदी बह रही हो। जी मुझे नहीं पता था कि रात के 3:30 बजे आपके रेडियो पे ये संस्कृति और कला का ऐसा पावन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। दैट्स रियली नाइस। इलायची जी लगता है आप समझ नहीं रही हैं, अगर हम आपको साफ साफ शब्दों में बताएं, इस समय हमारा गाना गाने का मन कर रहा है और किसी ने हमसे कहा है कि गाना गाने से पहले नहाना जरूरी है। देखिए ये जिस किसी ने भी आपको ज्ञान दिया है वो आपका टीचर नहीं है कि अगर बिना नहाए गाना गाओगे तो मुर्गा बना देंगे वो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब बोल दिया होगा, आपको मानने की थोड़ी ना जरूरत है, क्योंकि अगर अभी नहाओगे ना तो सिंगर का तो पता नहीं लेकिन निमोनिया के मरीज वो जरूर बन जाओगे। खैर हम चलते हैं, वो दरअसल क्या कि हमारे रियाज का समय हो चुका है ना, हम आपसे बाद में मिलते हैं लाजवंती जी। सॉरी इलायची जी। जीजाजी को साथ ही लट्टू नहीं और इस लाजवंती पे। ये जीजाजी भी ना लाजवंती से चेप होए पड़े हैं। उसने बोला तो 3:30 बजे नहाने चले गए। जीजाजी बहुत ही अजीब आदमी है, अगर मैं बोलती ना तो कसम खा लेते कि जब तक उन्हें सूंघ के कोई बंदा हॉस्पिटल नहीं पहुंचाता ना तब तक नहीं नहाएंगे। हेलो। हाँ हेलो, सुनो यार जीजाजी 3:30 बजे नहाने गए हैं। क्या इतनी रात को और इतनी ठंड में? हेलो यार, कहीं जीजाजी और पिंटू जी कुल्फी गुल्फी तो नहीं खेल रहे? कोई नहीं यार, तू भूल गई क्या? उस लाजवंती ने कहा था ना कि वो सुर चढ़ने से पहले नहाने जाती है, बस उसी की बातें फॉलो कर रहे हैं अभी ये। हाय रब्बा, तो ना तो नेक्स्ट टाइम जब लाजवंती बनेगी ना तो जीजाजी से ये भी कह दियो कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक ना अपने बिस्तर से हिले भी ना। कह देना कि कमर को आराम देने से गला अच्छा हो जाता है। तू समझ नहीं रही है टंबो कहीं की, मुझे ना दाल में ना कुछ कुछ काला लग रहा है यार, वरना कोई किसी की बात मान के पहाड़ी से थोड़ी ना कूदता है। ले अब ये बीच में पहाड़ कहाँ से आ गया? अरे यार वो दिल्ली की सर्दी में रात के 3:30 बजे नहाना पहाड़ी से कूदने जैसा ही है ना। मुझे तो ना ऐसा लग रहा है ये लोग कि जीजाजी के दिल में ना लाजवंती के लिए बहुत सारी इज्जत आ गई है। जिसे जो इज्जत कह रही है ना वो मुझे कुछ और ही लग रहा है। मैं बता रही हूँ सुनू, ये जीजाजी ना किसी और रास्ते जाते हुए दिख रहे हैं मुझे सच्ची। यार तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तू जल कुकड़ी बीवी की तरह भुन रही है? क्यों टेंशन ले रही है यार, उनको बस आवाज अच्छी लगती है लाजवंती की, तो सोचना शक्ल भी नहीं देखी उन्होंने तो उसकी। प्लीज हाँ, ये मेरी बीवी इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है बेटा। ओए ये इस वक्त राग अलाप कौन कर रहा है? सुना सुना तूने? सुनो सुबह के 4 बजे गाना गा रहे हैं, उस लाजवंती के लिए मैं बतौर में कुछ कर दूंगी। सुन मैं ना तैयार होके आ रही हूँ, तू भी बाहर निकल, मैं ना इस बंदे से बात कर ही लेती हूँ, उगलवा ही लेती हूँ कि बंदा चाहता क्या, इसके दिल में चल क्या रहा है आखिर, इसमें टंटे हो रखे हैं।
क्या 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 हुआ करो? क्या हो गया? अरे विनोद जी आप यहाँ? अरे भाई साहब बड़ी देर से सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन लगता है दुनिया में सिर्फ औरतें ही धोखा नहीं देती, नींद भी धोखा देती है। जगह भी नहीं है और ऊपर से मुझे अकेले सोने की आदत भी नहीं है। तो मैं खसोटे को यहाँ बुला लूं आपके साथ सोने के लिए? देखिए खसोटे को मैं जानता नहीं, तो आप बताइए मुझे नींद कैसी आएगी? तो फिर पंचम को बुला लेता हूँ। कैसी बातें करते हैं भाई साहब, हैं? पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो क्या अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ना, लेकिन ये बात समझने में आपने काफी देर लगा दी। समझना मुझे नहीं आपको है। विनोद जी देखिए मैं क्या कह रहा था कि मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ। अरे वाह वाह आप मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, बहुत अच्छा। अब सब ठीक है, आप अंदर चले जाइए मैं एडजस्ट कर लूंगा। आइए आइए आइए। अरे लेकिन अरे समझिए तो आप अपने बाबूजी जी तो हार चलते हमका 3:30 बजे स्नान करना पड़ गया। वो क्या है ना तुम्हारी आवाज में एक अजीब सी अलग सी कसस है जिसको सुन के हम खुद को रोक ना पाए। राजंती जी धन्यवाद, पर कैसी बातें कर रही हैं आप, आपकी आवाज सुन के तो हम यहाँ खींचे चले आए और आपको ये जान के काफी खुशी होगी हम अभी बस स्नान करके ही आए। एक बात पूछे का जी? पूछे। ए अजनबी हाँ? तुम्हारे और हमरे बीच ये का चल रहा है? ये कौन सा चुंबक है जो तुमको और हमको अलग ही ना होने दे रहा? राजंती जी ये आपकी आवाज का चुंबक है, बस खींचे चले आते हैं हम। झूठे? नहीं नहीं सच में राजंती जी, अगर आप सो रहे हैं तो हम साज हैं, अगर आप गीत हैं तो हम आवाज हैं। हमको लागत है तुम्हारे सर पे ना ठंडी चढ़ गई है इतनी रात को नहाने का नतीजा, जो हमसे इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो बेशरम। बहक तो गए हैं हम आपकी आवाज के नशे में, जब आपके करीब होते हैं ना लाजवंती जी पूरी दुनिया को भूल जाते हैं हम। अपनी जोरू को भूल गए हैं लेकिन लाजवंती बड़ी याद है। नहीं नहीं आप दरअसल क्या है कि जो हमारी बीवी है ना वो हमारी बीवी नहीं है, मतलब हमारी बीवी है पर वो हमारी कैसे समझाएं आपको? मन तो कर रहा है अभी उनको पकड़ के समझा दूं अच्छे से। जी कुछ कहा आपने लाजवंती जी? नहीं नहीं शायद आपके कान बज रहे हैं। क्या हुआ आप, आपकी आवाज में कुछ गुस्सा नजर आ रहा है? नहीं नहीं हम काहे गुस्सा होने लगे, हम तुमका बहुत ही अच्छे से जानते हैं, पराई औरत की थोड़ी ना तारीफ करोगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप अच्छे से समझती हैं हमें, पर आप कोई पराई औरत थोड़ी ना है लाजवंती जी। अगर आप हमारा दिल चीर के देखेंगी ना तो उसमें धड़कन नहीं आपकी आवाज गूंजती मिलेगी। नहीं चुप हो जाओ वरना हमारे हाथों से कुछ हो जाएगा। हाथों से नहीं कले से लाजवंती जी कले से कुछ हो जाएगा, और हम अगर आपको सच बताएं तो हमें तो अभी कुछ कुछ हो रहा है। कुछ कुछ मतलब? कुछ कुछ मतलब सब कुछ लाजवंती जी सब कुछ। हाँ, जात रही